हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। उन्नाव से आ रही बड़ी खबर आपको बता दें, उन्नाव में प्रेम प्रसंग के चलते एक 22 साल के युवक की बेदर्दी से हत्या कर दी गई। युवक का शव प्रेमिका के गांव से कुछ दूरी पर मिला, जिससे युवक के घर वालों को शक है कि युवक की हत्या प्रेमिका के घर वालों ने की है। मिली हुई जानकारी के मुताबिक पूर्वा थाना क्षेत्र के गोलवा विशनपुर गांव का रहने वाला 22 साल का शिव कुमार उर्फ कल्लू का शव पूर्वा थाना क्षेत्र के खूरी गांव के मिलन यादव के खेत में मिला। लोगों का कहना है कि शिव कुमार उर्फ कल्लू का खूरी गांव के रहने वाली एक लड़की से 2 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। हाल ही में प्रेमिका की शादी तय होने पर शिव कुमार का लड़की के घर वालों से विवाद हुआ था। बताया जा रहा है कि देर रात शिव कुमार खाना खा ही रहा था कि तभी एक फोन आया और शिव कुमार बिना किसी को कुछ बताए हुए घर से बाहर निकला। शिव कुमार के घर वालों का कहना है कि शिव कुमार रात में प्रेमिका से मिलने आया था, जहां लड़की के घर वालों ने धारदार हथियारों से हमला कर उसको बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया। आज प्रातः थाना पूर्वा पर सूचना प्राप्त हुई कि थाना पूर्वा क्षेत्र के ग्राम खोड़ी गांव के बाहर एक शिव कुमार उर्फ कल्लू नामक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक और मैं स्वयं मौके पर गया था। इस मामले में 2 नामजद और अन्य अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। शव को पोस्टमार्टम में भिजवा दिया गया है, अन्य कार्रवाई की जा रही है। खेत में शव मिलने की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने फॉरेंसिक टीम की मदद से साक्ष्य जुटाए हैं। वहीं शिव कुमार के घर वालों के शक के आधार पर पुलिस ने पूछताछ के लिए 3 लोगों को उठाया है। पुलिस का कहना है कि वो जांच कर रहे हैं और जल्द ही इस बात का खुलासा कर देंगे कि हत्या के पीछे की असल वजह क्या है और हत्यारे कौन है। संवाददाता भीम शंकर त्रिपाठी की रिपोर्ट, पूर्वा, उन्नाव, यू न्यूज़।